फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल सच्ची लाइफ ब्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत है। और अभी टाइम है 4 बजे हैं, पूरे 4 बज चुके हैं। और बस चाय वगैरह लेकर अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, क्योंकि अभी कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ है हमका। और फिर अभी 4 बजे के बाद ही हम काम स्टार्ट करते हैं। अभी बस बर्तन वगैरह, क्यों चाय पी के फिर चाय के जो बर्तन हैं वो वॉश करने हैं। और फिर जो भैंसों का कुछ काम है, मशीन काट के लानी है वो सब। मतलब कि ये तो है नहीं कि एक बंदे को करने हैं सारे काम, कोई कुछ करे या कोई कुछ करे जल्दी से निपट जाता है। और फिर उसकी मतलब कि मशीन से कटाई करें, फिर मिल्किंग करनी है। बस यही रूटीन है हमारा, आप सभी को पता ही है कि बिल्कुल सिंपल सा है। और बस फिर ये है कि खाने का जो मतलब रात का खाना होता है उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। उसमें प्रॉब्लम होती है कि आज क्या बनाएं। आई थिंक सभी लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है कि आज खाने में क्या बनाऊं। पूछते हैं तो बोलते हैं कुछ भी बना लो, और जब बना लेते हैं वही बात होती है, घिया, इससे अच्छा तो कुछ और बना लेते। पहले तो बोलते हैं कुछ भी बना लो, फिर बना लेते हैं तो ये क्यों बनाया, कुछ और बना लेते। और बस फिर देखते हैं क्या बनेगा शाम के टाइम। वो भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो फुली वॉच करना, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और आज हम हॉस्पिटल भी गए थे, तो वैसे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। तो हम हॉस्पिटल क्यों गए थे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया था। बस जो मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो अभी मेरे रहते थे, तो मैंने सोचा करवा लेती हूँ, ज़रूरी है, तो वही करवाने हम गए थे। तो मतलब कुछ रिपोर्ट आ गई है, कुछ एक दो दिन में आ जाएंगी। तो मतलब बाकी सब ठीक था, नॉर्मल था। और अभी मैं बस काम स्टार्ट करूँगी, और सारा सामान बिखरा पड़ा है मेरा, देखिए कितना बुरा हाल करके गई है मेरी बेटी। अभी बस वो थोड़ा सा स्कूल का काम जो होमवर्क होता है उसका करके गई है, कुछ छोड़ दिया है, कुछ ख़राब करके गई है, इरेज करना पड़ेगा दोबारा से, फिर करवाऊँगी मैं उसको। बस ये है कि आती है एक बार तो चिपक जाती है कि हाँ होमवर्क करूँगी मैं, फिर कुछ है कि अपने हिसाब से उस पर ऐसे ऐसे कर देती है, कुछ अपने हिसाब से ठीक भी कर देती है, फिर थोड़ा इरेज करवा के फिर दोबारा से करवाना पड़ता है। अभी बाहर चली गई वो खेलने के लिए, और फिर दोबारा आएगी शाम के टाइम, फिर करवाऊँगी मैं काम उसका। क्योंकि बच्चे को मतलब क्या आते ही मैं इतना फोर्स नहीं करती कि पहले अपना होमवर्क करो, क्योंकि छोटी है अभी, तो मैं सोचती हूँ ठीक है अभी टाइम है उसका खेलने का, तो बर्डन मैं उस पर नहीं डालती, जैसे ही करती है मतलब सोचती हूँ करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस वजह से थोड़ा बहुत जो मतलब कि पहले से थोड़ा बहुत लिखना भी सीख गई है वो, अब तो ये है कि देख कर भी मतलब कर लेती है। और अगर मैं बोलती हूँ कि ऐसे बना लो ऐसे बना लो तो वो भी कर देती है। मोस्टली कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मतलब कि हिंदी के भी होते हैं और कुछ इंग्लिश में आ जाते हैं, जो बच्चों को मतलब कि बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो तो नहीं बनाती, जो सिंपल होते हैं जैसे HLI जो बिल्कुल सिंपल सिंपल होते हैं वो उनको मतलब ईजिली बना लेती है, क्योंकि उसकी पेंसिल पर अभी पकड़ भी बन चुकी है, तो बस कर लेती है कुछ तो मतलब कि अपने आप कर लेती है, कुछ ये है कि पास बैठा कर फिर करवाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि मैं आपको जो मेरे अल्ट्रासाउंड है वो भी दिखा दूँ एक बार, तो मैं अभी लेके आई हूँ, एक बार मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी जो मतलब कि होना चाहिए उसमें, तो मैं आपको इसका स्क्रीन शॉट दूँगी। तो मतलब ऐसे तो सब नॉर्मल था इसमें, लेकिन जैसे मैंने बहुत सारी जो अल्ट्रासाउंड है उनको देखा है, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये इतना ये इतना है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। ये देखो एक बार, चलो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, एक मिनट, क्लियर नहीं आ रही, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूँगी आपको। क्यों मैंने देखा है कि किसी के जैसे ये स्लिप होती है ना, स्लिप क्या बोलते हैं उसको, मतलब मुझे नहीं पता, तो ये कई कई होती हैं मैंने देखा है, तो मेरी तो सिर्फ ये एक ही है,
और बस ये जो उनको मतलब जो वो देते हैं वो दिया उन्होंने। तो मैं सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट टाइम मैं अल्ट्रासाउंड कराऊँ तो उससे ना करवा कर मैं दूसरे से करवाऊँ, क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर हम किसी से कुछ करवाते हैं तो हम सेटिस्फाई हो जाए तो मतलब कि अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस अल्ट्रासाउंड से सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मैं नेक्स्ट मंथ करवाऊँगी, मतलब जब भी नेक्स्ट करवाऊँगी तो उसमें मैं सोच रही हूँ मैं दूसरे डॉक्टर से करवाऊँ, तो फिर वो शायद अच्छे से क्लियर कर दे सब चीज़ें। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये होता है कि हम मतलब सबकी अपनी अपनी होती है कि हर चीज़ क्लियर हो। तो बस मैं भी ये चाहती हूँ कि हर चीज़ जो हम मतलब चाहते हैं हर चीज़ क्लियर हो जाए हमारी, तो बस यही उम्मीद कर। फ्रेंड्स अभी हो गए हैं 6:15 और अभी मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और अभी मैं जो मटर है मटर निकाल रही हूँ, तो आज हम मटर बनाएंगे। और अभी मतलब शाम का काम स्टार्ट हो गया है, अभी बस सब पहले सब्जी बनाएंगे फिर रोटी और दूध गर्म करना जो भी करना है, सारा शाम का काम अभी स्टार्ट हो गया है। हम 6 बजे के आसपास सारा काम स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी मिल्किंग नहीं किया आज थोड़ा लेट हो गए हैं, बस अभी मिल्किंग करेंगे और फिर बाकी काम फिर मैं शेयर करूँगी आपके साथ।